साज ने परफॉर्म कर लिया है, चलो अब हम सब अपने अपने घर चलते हैं। ओके, बड़ा मजा आया रियली। एक मिनट मोना डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो अभी? मैं बचाऊं यार, क्या कर रही हो तुम यार? तुम मानोगे नहीं, इतनी जिद क्यों करके बैठे हो मनीष? रहने दो, बैकआउट कर जाओ, चुप हो जाओ अभी तुम। एक मिनट यार मोना, कमाल है यार। यार मेरे अंदर म्यूजिक का ऐसा जुनून है कि मैं लोगों को अपने म्यूजिक का दीवाना कर दूंगा। पागल हो जाएंगे, मतलब मेरे पागल हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, और मैं ही बनूंगा रॉकस्टार। वाओ, सपना बहुत अच्छा है लेकिन सच होना बहुत मुश्किल। स्टॉप इट यार, एक मिनट यार, तुम अपना काम करो, मुझे इंट्रोड्यूस कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा यार। really? ओके, तो ये है मनीष पॉल। पहले एज अ रेडियो जॉकी इसने हमें बहुत बोर किया, फिर टेलीविजन स्टार बन के और पकाया। और एक मिनट, मैं बेइज्जती करवाने नहीं आया यहाँ अपनी। हाँ, अच्छे से इंट्रोड्यूस करो मुझे प्लीज। देखो मनीष, एक्साइटमेंट में डिसीजन लेना अलग बात है, और एक्चुअली लोगों के सामने यहाँ स्टेज पर गाना गाना अलग बात है। व्हाई डोंट यू गेट इट? यार एक ही बात कर करके पक गया हूँ यार, इसे कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज। मैं गाना चाहता हूँ यार। एक मिनट, पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या कहना चाहते हैं। ओए, हाँ देख लो। चलो, ये शो जब मुझे ऑफर हुआ, ये ऐसा शो मैं सोच रहा था कि काश मुझे ऑफर हो जाए, बिकॉज मुझे गाने का बहुत शौक है। मनीष पॉल गाना गाने वाला है क्या? मनीष पॉल गाना गा रहा? मनीष, ये तो तूने कभी बताया नहीं कि तू गाता भी है। इस रोल में लोग मुझे पता नहीं कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जल्दी करेंगे या नहीं करेंगे। आपको भगवान ही बचाए। मतलब जो टॉर्चर सैन और साइशा बर्दाश्त करते थे, अब पूरी दुनिया को नेशनल टेलीविजन पे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मनीष, नॉट फेयर ब्रो। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह लोगों ने एंकरिंग में मुझे एक्सेप्ट किया, एक्टिंग में एक्सेप्ट किया, उसी तरह सिंगिंग में भी एक्सेप्ट करें। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए मनीष मत कर। मैं अच्छे से गाऊं, दिल खोल के गाऊं, सब एंजॉय करें। सो आई हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड। चलो जो भी है, ऑल द बेस्ट यार मनीष, तू दोस्त है मेरा, आई एम योर वेल विशर। कभी ना गाना गाने वाला। गा 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 सारे गामा पा दा पा दा, मैं एकदम परफेक्ट है, लेकिन तू गा रहा है। फोड़ डाल फोड़ डाल फोड़ डाल, मेरी बेटी भी तुझे बोलेगी। ऑल द बेस्ट बोल दिया था मनीष पॉल, ऑल द बेस्ट। अभी सब मेरे साथ गाना, मनीष पॉल गाना गाने वाला है। वाह क्या बात है, मतलब सच्ची सलाह देने वाले दोस्तों की कमी नहीं। हराम खो रहे हैं एक नंबर के, कोई बात नहीं। मनीष, आई एम आल्सो योर फ्रेंड यार, मत गा मत गा यार। प्लीज मोना, मेरे को गाना है, तू टेंशन मत लो यार। तुम एक काम करो, तुम आराम से वहां जाके बैठो, मैं बाकी संभाल लूंगा। प्लीज एक ट्राई, मतलब यार है कितने चली है गोबिदा फुल बने के। मनीष मत गा यार, क्या कर रहा है तू? एक ट्राई और, एक ट्राई, एक ट्राई सर, एक। मनीष पेट में दर्द है क्या? नहीं नहीं, पता नहीं कहाँ दर्द हो रही है। दादा प्लीज आप लोग ही साथ दे दो, शायद कुछ हो जाए। प्लीज जरा एक बार ट्राई कर लेते हैं। काबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया है, कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आंखों आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया है, और रब मैं तो मर गया है, शदाई मुझे कर गया है, और रब मैं तो मर गया है, शदाई मुझे कर गया है। दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई, हो कुछ पल मेरे नाम लिखे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई,
जानी मैं बन गई जान पे, नैना बैना उसके मेरे दिल पे छपे। अब जाऊं कहां पे, दिल रुका है वहां पे, जहां देख के मुझे वो आगे बढ़ गया होए, हो रब मैं तो मर गया होए, शदाए मुझे कर गया होए, हो रब मैं तो मर गया होए, शदाए मुझे कर गया होए, कोई दिल पे काबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आंखों आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया होए, हो रब मैं तो मर गया होए, शदाए मुझे कर गया होए, हो रब मैं तो मर गया होए, शदाए मुझे कर गया होए, शदाए मुझे कर गया होए, शदाए मुझे कर गया होए। चार घमोरियां मार दी तूने पीठ पे मार मार के। चीटिंग तो नहीं की ना यार, कहीं पीछे सीडी तो नहीं लगाया हुआ था? नहीं यार, मैंने खुद ही गाया, मतलब अभी तो। सचिन जी क्या लगता है, मैं गा रहा था? बिल्कुल आप गा रहे थे, लेकिन सिंगर्स जो होते हैं वो सिर्फ गले का इस्तेमाल करते हैं, आपने किसी और एक चीज का इस्तेमाल भी किया है ना, क्या? और वो है दिल। आपने गले से तो गाया, लेकिन दिल से ज्यादा गाया, इसलिए वो दिल तक पहुंच पाया। वाओ यार, मनीष तू इतना अच्छा कैसे गा लेता है यार, मतलब हाउ? यार ये तो मुझे एक्चुअली, मैंने कभी सोचा नहीं मैं कब से गा रहा हूँ, बस गुनगुनाने का शौक है मुझे, गाने का शौक है। शौकिया तौर पे दिल से, जैसे सर ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, बस दिल से गाता हूँ, और आज भी एक गाना गाया दिल से ही। तो सिंगर होने का कभी कोई फायदा उठाया क्या? फायदा तो वैसे मैंने उठाया, मैंने एक लड़की पटाई थी। ओहो! वो ऐसी पटी, ऐसी पटी कि वो बीवी बन के ही मानी। तो अभी वहां उन्हें भी थोड़ा इम्प्रेस करना है? लग तो रहा है थोड़ी बहुत सी हो गई है, टेढ़ी नजरों से देखा उन्होंने पूरे गाने मुझे। हे कम ऑन, नो बट दैट्स ट्रू, I think he was very good. छुपे रुस्तम हो तुम। जो मैंने यहाँ से जादू दिखाया था अलीशा जी को, मैं वहाँ पे जाके दिखाना चाहूँगा। आइए। ओके। आइए। देखिए, मैं खास तौर पे आपके लिए एक बड़ी माइंड ब्लोइंग सी चीज लाया हूँ। मुझे किसी ने बोला था, ये देखिए, ये है वैसे ग्रीन, बट मुझे किसी ने बोला कि आप ने जी येलो कलर बड़ा फबेगा। हाँ जी, रुकिए, तो अब इसको येलो कर देते हैं। ये जो ग्रीन वाले थे वो तो अंदर चले गए, ये बदतमीजों ने दिया ही ऐसे मुझे यहाँ पर। मैजिक ट्रिक आपकी, वेल इट वाज। देखिए मैं तो क्यूट बनने की कोशिश कर रहा था सर। मैंने कहा क्यूट, बहुत क्यूट। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको अलीशा, मनीष का मैजिक? वेरी क्यूट, नॉट वेरी कन्विंसिंग बट वेरी क्यूट। I loved it. Thank you. I love you too. Thank you. I said I loved it. Okay, I didn't say I love you. Oh, sorry, sorry. कोई नहीं, show के end तक वो भी बुलवा लेंगे। पंजाब भी आए हैं तो फिर जीत के जाने ना। तो अनु जी, आप क्या कहेंगे मनीष के परफॉर्मेंस के बारे में? मुझे ऐसा लगा कि तुमने एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अलग गाना चुना अपने लिए। You could have chosen a very simple song also. तुम्हारा जो बिल्डअप हुआ था कि भैया तुम्हें गाना आता ही नहीं है, तुम्हारे दोस्तों ने कहा कि मनीष गाना गाएगा, जो बिल्डअप था, मैं समझा तुम्हारी आवाज निकलेगी ही नहीं, और निकली तो मगर कमाल की निकली। तो मैं अपने अंदाज में कहना चाहता हूँ कि सोचा था कि ताश के पत्तों में निकलेगा एक जोकर। क्या बात है। सोचा था ताश के पत्तों से निकलेगा एक जोकर, मगर निकला एक इक्का, और मनीष तुमने भी इस शो पर आके जमा दिया अपना सिक्का। और फिर मनीष के लिए अपने अंदाज में गाना भी गाना पड़ेगा। आहा। मनीष तुम्हारे लिए सर,
मनीष बोला मैं गाता हूं, मैं बोला फेंकता है साला। मनीष जब भी सच्ची बोलता है, ए हमको झूठ का क्यों लगता है? ये मेरा स्टाइल होएगा, होंठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये मेरा स्टाइल होएगा, होंठों पे ना दिल में हाँ होऊंगा, आज नहीं तो कल बोलेगा। ए तू अच्छा गाता रे, टेंशन का क्यों लेता है? जजेस स्कोर्स बता दीजिए। अनु जी, सेवन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। अली शाह, अब आपकी बारी। ए, नहीं थी। मैंने कहा ना, आई लाइक्ड यू, आई थॉट यू वर वेरी गुड। ये लाइकिंग को चेंज करो मैडम, आगे जमाना आगे बढ़ गया, आप लाइकिंग पे ही अटके हुए हो। मनीष आपका टोटल है 15। तो इतने 15 करके क्यों बोल रही है? मेहनत से कमाए हैं अपनी 15। थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां बजाओ मेरे लिए। ठीक है ठीक है, तुमने गाना चाहना तो गा लिया। हाँ जी। अब इतनी आसानी से मैं तुम्हें थोड़ा जाने दूंगी। उई। अब तुम करोगे वोट अपील, और वो भी मेरे चुने हुए रस में, और वो रस है विभत्स। मतलब बता फटाफट। मतलब घृणा। घृणा किसी चीज से चिढ़ होना। हाँ आ रही है मुझे। ए फीलिंग। चलो वोट अपील करो। घृणा आ रही है। मैंने बहुत लोगों से कहा मुझे वोट दो वोट दो। हाँ मैं यहाँ पे खड़ा रहा, मेरे बाजू में कंटेस्टेंट होते थे, मैं उनके लिए वोट मांगा करता था। लेकिन आज वोट मुझे देने का वक्त हो, मोबाइल निकालो, उसमें टाइप करो MNISH और उसे भेज दो 5 cents 5 cents 5 पर। अरे रुक जाओ, कम वक्त मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं ये ना बोलूं। टीवी स्क्रीन के नीचे भी कुछ लिखा है, वो भी देख लो, वहां पर भी देख लो, और जो वोटिंग लाइन थे केवल 24 घंटे के लिए खुली है। थैंक यू वेरी मच, बाय। आई थिंक एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में मनीष पहला कंटेस्टेंट है जिसे वोट अपील के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिली है।